गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। है उसके यूजुअल टेम्परमेंट से उसके जो उसका जो आम तौर का व्यवहार है उससे बहुत हटके होने लगे, बच्चे की रात की नींद डिस्टर्ब होने लगे, बच्चे को भूख कम लगने लगे, बच्चा ज़्यादा हताश दिखने लगे, क्राइम स्पेल्स हो, बच्चा ज़्यादा रोता दिखे या बहुत ज़्यादा निराश दिखे, कभी सेल्फ हार्म की बातें करें या सुसाइड की बातें करें, ऐसी कभी भी अगर सिचुएशन आती है तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को हेल्प लेनी चाहिए किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, बेशक वो स्कूल काउंसलर हो, साइकाइट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, किसी से मदद लेनी ज़रूर है। तो एमरजेंसी में क्या करना चाहिए, मतलब कभी तो किसी ने कुछ कर दिया। बिल्कुल, यदि ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा ऐसा कुछ कदम उठा ले जिससे उसकी सेफ्टी को कोई भी नुकसान हो, तो तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और पहली बात तो मान लीजिए कोई फिजिकल इंजरी है या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, इमिजिएटली इमरजेंसी सर्विसेज पे लेके जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया और आगे जाकर कैसे ये बात प्रिवेंट हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि क्या जो उनके साथ हो रहा है, क्या ये वाकई का इवेंट है या फिर ये एक फैंटसी है या ड्रीम्स की नेचर कुछ ऐसी है कि वो सपने सच लगने लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बेस्ट है कि किसी साइकोलॉजिस्ट से जो उनसे बातचीत करके एग्जामिन करके उनको समझ पाए और उनकी मदद कर पाए। दैट इज़ नॉट, मतलब काफ़ी लोग उसको मेंटल बोलने लग गए कि ऐसे पागल हो गई है एंड और चीज़ें, तो वो प्रेशराइज्ड हो गई। समझना बहुत जरूरी है, पहली बात तो उनके साथ हो क्या रहा है, दूसरी बात आपकी या किसी और की समझ क्या है उनके साथ क्या हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कोई भी समस्या है, नहीं आप एज एन उसके पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा वरिड हो गए, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसको कोई प्रॉब्लम है जो मतलब काफी बार समाज में हमें स्टिग्मा देखने को मिलता है, लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर मदद मांगने के लिए, ऐसा लगता है एक लेबल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई तकलीफ है बहुत जरूरी है कि एक इलाज मिले, बहुत जरूरी है कि मदद मिले। तो यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिना किसी हिचक एक डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलिएगा, जो भी परेशानी है उसको समझते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल चीज़ें आ रही हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ही होते हैं। पहले अभी बदलाव आ रहा है, पहले लोग जाते हैं। देखिएगा डे ड्रीमिंग एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है, जो जब माइंड थोड़ा ब्लैंक है या थोड़ा एक मेंटल ब्रेक लेता है और इंसान सपने सोचता है, इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। कंसर्न तब आती है जब जो ये डे ड्रीमिंग है ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है या ये आपकी नेचुरल फंक्शनिंग को हैम्पर करने लगती है। मान लीजिए इसमें इससे पढ़ाई में बाधा आने लग जाती है, ध्यान नहीं होता, अटेंशन में प्रॉब्लम आती है, तब बहुत ज़रूरी है देखना कि कहीं कुछ और तकलीफ तो नहीं है, अटेंशन सस्टेन करने में प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और मूड की प्रॉब्लम तो नहीं है। जो थोड़ी बहुत आमतौर पर देख रही हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो कुछ एक वो भी होता है हाइपर एक्टिव जो होते हैं कई बच्चे, मतलब जी 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 उनको कैसे टैगल, मतलब जो बच्चों के साथ एक पीयर वाला जो होता है मारते रहते हैं, बुलिंग करते हैं कुछ। देखिएगा बुलिंग एक अलग चीज़ है और ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अलग चीज़ है। तो पहले हम ADHD की बात करते हैं। ADHD एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में काफ़ी कॉमनली आजकल देखने को मिल रहा है। इसमें जो बच्चा है उसकी एक जगह स्थिर बैठने की क्षमता
शांत बैठने की क्षमता थोड़ी कम होती है। हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा चंचल दिखे, दिखे कि एक जगह बैठ नहीं पाता है, भागता रहता है, सीढ़ियों पे चढ़ता रहता है, कूदता रहता है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। और ये सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं, ये दो या उससे ज्यादा सिचुएशन में देखने को मिलता है, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, घर में। दूसरा इसमें बात जुड़ती है बच्चे की ध्यान लगाने की क्षमता। जो एक सामने कोई पढ़ाई का टॉपिक है उसके बच्चा अटेंशन नहीं दे कर पाता, या फिर क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर अटेंशन देने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है। यहाँ तक कि इवन कोई गेम अगर खेल रहे हैं जैसे लूडो या चेस है, उसमें भी ध्यान लगाने की क्षमता थोड़ी कम है। तो एक तो हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम होगी, दूसरा अटेंशन सस्टेन करना प्रॉब्लम है, तीसरा इसमें बच्चा बहुत इंपल्सिव होता है। मान लीजिएगा अपनी बारी की वेट नहीं कर सकता, प्लेग्राउंड में अगर झूला चाहिए तो अभी चाहिए, आंसर कोई क्वेश्चन पूछे उससे पहले आंसर निकाल देना मुझसे। तो ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जब देखने को मिलती हैं तो थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं बच्चे को ADHD तो नहीं है, और एक प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। अब है कि मान लीजिए किसी बच्चे को ADHD है तो क्यों है, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, जो शरीर है, जो ब्रेन है, उसमें जो केमिकल्स के चेंजेस हैं उसकी वजह से ADHD होता है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक जो बच्चा इंडिविजुअल लेवल पर उसकी कितनी ज़्यादा तकलीफ है। अगर मान लीजिएगा थोड़ी बहुत तकलीफ है तो बच्चा कुछ अटेंशन इन्हांसिंग टास्क, ऐसी एक्टिविटीज जिनसे ध्यान ज़्यादा बढ़ सके, वैसी टेक्निक से भी बच्चा कंट्रोल हो सकता है। क्लासरूम में बच्चे को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है कि जब उसको असाइनमेंट्स दें, छोटे छोटे असाइनमेंट्स दें, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस दें और थोड़ा और ध्यान दें, उसकी जो चेयर है वो क्लास टीचर के पास रखें, खिड़की या दरवाजे के पास ना रखें, थोड़ा और ध्यान देकर बच्चे को कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि बच्चे की जो अटेंशन की प्रॉब्लम है, एक्टिविटी लेवल्स वो इस प्रकार हैं कि प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, तो मेडिकेशंस की भी मदद से बच्चे को बेनिफिट मिल सकता है। मेरे बेटे के नंबर कम आ रहे थे तो मेरी वाइफ ने टीचर को बोला इसको आगे बैठाओ, आगे बैठाओ, फिर उसको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, पीछे बैठ के वो आप लीजिए, आप लीजिए, तो अमोल जी एक बार आप प्लीज सबको ऑफर कर दीजिए, फिर आप उठा लीजिए। तो आजकल जो होता है ऐसे है कि जो एडल्ट्स हैं, जब हम बच्चों की बात करते हैं और जब हम 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की बात करते हैं, जो अडल्ट हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मैं उदास हूँ या मैं परेशान हूँ या मुझे इस बात से ये प्रॉब्लम है। जो बच्चे होते हैं अभी उनमें जो उनकी क्षमताएं हैं वो डिवेलप हो रही होती हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से बयान नहीं कर पाते। तो बच्चों में मान लीजिए डिप्रेशन जब हम देखते हैं तो एक तरह का तो हमें एक तरह की पिक्चर मिलती है कि बच्चा उदास दिख रहा है। कभी कभी बच्चों में डिप्रेशन अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है कि बच्चा चिड़चिड़ा ज़्यादा दिख रहा है, या बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हमें बच्चों में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, या पढ़ाई में ग्रेड्स कम हो रहे हैं। तो जब ऐसी भी कोई भी दिक्कत हो तो पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि कहीं बच्चे को कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, और मदद लेना बहुत ज़रूरी है। मदद लेने के लिए नहीं कतराना चाहिए। मुझे क्वेश्चन पूछना मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। एक महीने पहले मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, मेरे को ना बुखार था, थोड़ी सी खांसी थी और सब कुछ नॉर्मल था, मैं कॉलेज जा रही थी, आ रही थी, सब ठीक था। बट एक बार ऐसा हुआ मेरे हाथ पे अकड़ गए पूरे और आँखें ऊपर चढ़ गई, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर हॉस्पिटल गए, सारे टेस्ट हुए, ब्रेन टेस्ट हुआ, बट सब कुछ नॉर्मल था, बट मुझे अभी भी नहीं पता लगा कि प्रॉब्लम है क्या। आप उस वक्त आपके साथ कोई और मौजूद थे या सारी फैमिली थी? फैमिली मेंबर्स थे। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि जो ये आपने अभी बात बताई है, अगर आप किसी फैमिली मेंबर को भी साथ लाएं जो उस वक्त आपके साथ मौजूद थे, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं साथ में लाएं, और इस बात को जो डॉक्टर है वो इंडिविजुअली एग्जामिन करें, पूरी बात समझें,
ठीक है, फिर हम बेहतर बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी और आगे क्या करना चाहिए. लेट्स गेट अ प्रॉपर हिस्ट्री विद द इन्वेस्टिगेशन, देन वी कैन डिस्कस दैट.